रानीखेत नगर क्षेत्र में गुलदार की लगातार बढ़ती सक्रियता से लोगों में दहशत है। नगर के मुख्य बाजार और घनी आबादी वाले मोहल्ले में भी गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही है। व्यापार मंडल और भाजपा नगर अध्यक्ष मनीष चौधरी ने वन क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन भेजकर गुलदार को पकड़ने के लिए गुलदार की सक्रियता वाले क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि रानीखेत नगर क्षेत्र गत मार्च महीने से गुलदार सक्रिय है। मार्च महीने में नागरिक चिकित्सालय के अंदर गुलदार घुस गया, यहां उसने कुत्ते को भी मार डाला। इसके बाद बीते दिनों नगर के सीतापुर आंख अस्पताल के पास भी रात के वक्त गुलदार बेखौफ चहलकदमी करता मिला, जबकि पिछले सप्ताह नगर के मुख्य चौराहे गांधी चौक के पास एक होटल के पास भी गुलदार देखा गया। आपको बता दें, गुलदारों की आबादी में बढ़ती धमक से लोगों में दहशत व्याप्त है। लोगों का कहना है कि दो से ज्यादा गुलदार नगर क्षेत्र में सक्रिय हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष और भाजपा नगर अध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा कि गुलदारों के बढ़ते आतंक से लोग नागरिक खौफजदा हैं, भविष्य में बड़ा हादसा होने की भी आशंका बनी है। इस बीच नगर में पर्यटन सीजन जोरों से चल रहा है, देर रात तक बाजार में लोगों की आवाजाही बनी रहती है। भविष्य में संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए कदम उठाए जाने जरूरी हैं।